अगर उसके पास कारण था तो शाही तरफदारी उसी की थी पूछने की। हाँ, लेकिन वो मांगे महाराज कभी नहीं मानेंगे। हाँ, कोई भरोसा नहीं अगर फ्रांस उसकी योजना को समर्थन दे। फ्रांस? हाँ, वो उस तरफ गया है। चार्ल्स द एट एक साहसिक राजा है। ए भगवान, क्या होगा अगर वो फ्रांस की तरफ मुड़ गया तो? महाराज फर्नांड ऐसा दिखता है कि कोलंबस फ्रांस के रास्ते में है। अगर फ्रांस के पास ये रास्ता चला गया तो? और पुर्तगाल के पास पूर्वी मार्ग है। ये हमारे भविष्य के व्यापार के लिए खतरा साबित होगा। बिल्कुल सही। और इस बात का भी पक्का पता नहीं कि वो कामयाब होगा कि नहीं। क्या उसकी मांगे जायज है या नहीं? उसके फ्रांस की मार्ग की खोज करने के बाद हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? लेकिन सेंट एंजल, उसे अपनी यात्रा के लिए पैसे चाहिए होंगे, और तुमने खुद ही खबर दी है कि युद्ध के कारण खजाना खाली हो चुका है। सेंट एंजल, मैं चाहती हूँ कि ये समुद्री यात्रा जरूर हो, चाहे उसके लिए मुझे अपने गहने ही क्यों ना बेचने पड़े। महारानी जी, आपकी इस कृपा से उसके पास यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। सच में? लेकिन मुझे पक्का पता है कि उतना नहीं होगा। मुझे यकीन है मेरे अमीर दोस्त इसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। ये सब तो ठीक है, हम लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। अगर कोलंबस सफल हो गया तो हमारे लिए अच्छा ही है। और अगर हम उसे भेजते हैं तो हमें उसकी मांगे माननी होंगी। उसकी मांगे? इतनी मजाल? लेकिन व्यक्तिगत पैसों से काम बनता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। बहुत अच्छा सोचा महाराज, आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा और उसे सिर्फ खिताब मिलेगा। फादर, मैं सोचता हूँ कि हमारे दोस्त कोलंबस को स्पेन के लिए खोज पर जाना चाहिए। महाराज और महारानी के नाम पर रुक जाओ। नहीं, चलो मेरे दोस्त। सीनियर कोलंबस, रुको। सीनियर कोलंबस, मैं महाराज की तरफ से आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। और मुझे क्यों चलना है? क्या उन्होंने अभी तक मुझे तकलीफें कम दी हैं? उधर खड़े रहो। देखिए, मेरी बात सुनिए। रानी इजेबेला ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि आपके समुद्री सफर के खर्च का रास्ता निकल आया है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं जनाब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि रानी अपने महल में अचानक से लौट आई हैं। तुम कसम खा रहे हो, कोई चाल नहीं? मैं कसम खाता हूँ पूरी ईमानदारी से। राजा और रानी ये नहीं चाहते कि आप फ्रांस के लिए पश्चिमी मार्ग को खोजने का जोखिम उठाएं। के ऊपर वाले, मेरा बहुत इम्तिहान लिया तुमने, पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया महाराज, मुझे इतने लोगों के बीच सम्मान देने के लिए। क्योंकि तुम्हारा काम बहुत महान है। मुझसे जो भी बन सकेगा वो मैं करूंगा स्पेन को सम्मान दिलाने के लिए। आप अपने इरादे को बदलने के लिए कभी भी अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा। सेनोर डी कोलोमा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए बोला है। यह उनके जरूरत के सामान की फेहरिस्त है, चीफ सेक्रेटरी। आपके कोई सवाल है सीनियर? मुझे बताइए सीनियर कोलंबस कि आप किस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं? मैंने सारे बंदरगाहों की छानबीन कर ली है और तय किया है कि मैं पहले शहर से ही अपनी शुरुआत करूंगा, वही सबसे बेहतर जगह है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि सब जानते हैं, सारे बढ़िया नाविक पहले से ही आते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं विदाई के समय वहां पर मौजूद रहूंगा। शुक्रिया सीनियर डी कोलोमा। Ha ha ha.
वो लकी? मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, चलो मेरे पीछे आओ लकी। पिताजी मैं यहाँ हूँ, डिएगो, यहाँ देखिए। डिएगो, डिएगो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। मैंने सोचा था आप कभी नहीं आओगे पिताजी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गए, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। डिएगो। ओ देखो पिताजी मैं क्या लेकर आया हूँ, देखो। अरे वाह, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें एक नन्ही से दोस्त मिली। नीचे के गांव में आंटी मारिया है, उन्होंने मुझे ये दिया है। और मैंने तय किया है कि मैं इसे फिलिपा बुलाऊंगा। हाँ प्यारा नाम है फिलिपा। तुमने इसका नाम अपनी माँ की याद में रखा है? हाँ बिल्कुल। डिएगो मैं जल्द ही पश्चिम की तरफ अपनी समुद्री यात्रा शुरू करूंगा। ओ सच में? ओ पिताजी मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मैं जहाज पर हर तरह का काम कर सकता हूँ, तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? अब खैर मैं। तो क्या मैं हाँ समझूं? डिएगो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ लेविडा में ज्यादा सुरक्षित रहोगे। डिएगो ये बात मुमकिन नहीं है कि तुम अपने डैडी के साथ इस समुद्री यात्रा पर साथ जाओ। ये एक बहुत ही मुश्किल भयानक यात्रा है और चुनौतियों से भरी हुई है, एक मजबूत नाविक के लिए भी। समुद्री यात्रा के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, एक बार बस तुम बड़े हो जाओ। जितना आप सोचते हो मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ। आप तो चाहते हो कि मैं जैसे अकेला रहता हूँ वैसे ही हमेशा रहूं। मैं आपका इंतजार कर करके थक गया हूँ पिताजी। चलो थोड़ा सा ये वक्त मस्ती में बिताने की कोशिश करते हैं। तुम देखो बेटा, कई बार हमें अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है और भगवान हमें उसके लिए कई बार इंतजार भी करवाते हैं और हम इस बात का बुरा मानते हैं, पर वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए करते हैं। मैंने अपने इस सफर के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। ध्यान दीजिए साहिबान, आपने वेस्ट के समुद्री सफर और कप्तान कोलंबस के बारे में सुना होगा। ये कैसा रहेगा पैबलो, ये साबित करने का मौका कि पैलोस के नाविक सबसे बहादुर होते हैं। मैं नहीं, खतरनाक लहरों पर नहीं। शुक्रिया, माफ करो। लेकिन बेटा वो हमको अच्छा पैसा दे रहे हैं, इंडीज पहुँचने तक तुम अमीर हो जाओगे। अच्छे पैसे हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो ये कागजों पर ही अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप अनाड़ी कप्तान के साथ खतरनाक लहरों पर जाएंगे तो जिंदा बचेंगे तभी ना। माफ करो वेस्क्यूज, सही में हम बहादुर हैं पर बेवकूफ नहीं। तुम अपने आप को बहादुर कहते हो और इंतजार कर रहे हो पिंजौन भाइयों के वापस आने का, पर तुम अपनी जिंदगी का सबसे हसीन मौका खो रहे हो। मुझे पक्का यकीन नहीं है, पर एक बात बोलूं, अगर वो ऐसा कहेंगे तो एक बार हम दोबारा सोचेंगे। सामान उस रास्ते से नहीं ले जाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग उसी रास्ते से लेके। ठीक है। नहीं वास्केस, आज के लिए इतना काफी है। चलो हम लोग पिंजौन भाइयों के आने का इंतजार करेंगे और फिर कोशिश करेंगे। चलो लेबिटा वापस चलते हैं और इंतजार करते हैं, समझ गए? मेरे जहाज अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं और हम अभी भी पिंजौन भाइयों का इंतजार जरूर करेंगे। मैटिन अलोनो पिंजौन जहाज के मालिक हैं, उनकी इज्जत सबसे बड़े नाविकों में होती है एंडुजिया में। हो सकता है कि वो वही आदमी हों जो मेरे सफर में मेरे सहकर्मी के तौर पे काम करें। आखिरकार पिंजौन भाई रोम में वापस लौट आए हैं, मैं आज उनसे मिलूंगा। हमारी कल रात की बात से यह तय हो गया कि मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था। तुम्हारे पास पूरी तालीम है कोलंबस ऐसे सफर को अंजाम देने की। आपका शुक्रिया, आपसे बात करने के बाद मैं आपकी मदद चाहूंगा और उम्मीद है कि आप करेंगे। पिंटा के कप्तान आपके भाई हों ये चाहेंगे। वैसे हम दोनों की तुम्हारी योजना में दिलचस्पी है। खैर, पर सवाल जब अनजाने सफर का हो कोलंबस तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मुझे माफ करना, मैं एक व्यापारी हूँ, क्या इसमें फायदा होगा?
हाँ बिल्कुल होगा, और मैं आपको उन सब में से आधा हिस्सा दूंगा जो भी राजा रानी मुझे इसमें से देंगे, वादा। ओह, और क्या चाहिए? मैं जो भी धरती या टापू की खोज करूंगा उसके अंदर आपको भी एक नाम दूंगा। ये वाकई में अच्छा प्रस्ताव है। जब तक हम मछली पकड़ते हैं सोच लो। मैं तैयार हूं। हेलो पिताजी। जाने का वक्त हो गया मेरे बेटे। मेरे पास आपके लिए कुछ है। हाँ? ये देखिए। इस धरती पर ऐसा क्या है? आप खोलिए और देख लीजिए। कुचल रहा है इसमें। हाँ? हाँ? अरे वाह। फिलिपा आपको पसंद करती है, वो जहाज पर आपका साथ देगी। लेकिन डिएगो, इसे तुम्हें रखना चाहिए। नहीं, आप ले जाइए। इससे मुझे पता रहेगा कि अगर मैं आपके साथ नहीं भी हूँ तो मेरी कोई तो चीज आपके पास है। मुझे लगता है अब आपको निकलना चाहिए। हाँ, अब मुझे सफर पर जाना होगा। मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस होगी। जल्दी वापस आना पिताजी। मैं आऊंगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, बस फिक्र मत करना। ये पकड़ो। ये हुई ना बात। आने दो उसको और ज्यादा। वो देखो उधर, वो लोग आ गए। तो क्या उनकी तैयारियां पूरी हैं? वो बिल्कुल तैयार है कमांडर, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे ही आप आदेश करेंगे हम यात्रा शुरू कर देंगे। सुनो वहाँ विंसेंटे, नीना पूरी तरह से तैयार है ना? वो जाने के लिए तैयार है जॉन, हमने एक घंटे पहले उसमें सामान रख दिया था। अब जब हमने जहाज पर सामान चढ़ा दिया है हम तड़के ही निकल जाएंगे। तो अब हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन लहर है ये, हमें इसी लहर के साथ अपने सफर की शुरुआत करनी चाहिए। सभी लोग तैयार हो जाओ, जहाज को ढीला करो। ठीक है, अब बटन डालो। लंगर निकालो, हम अपने रास्ते पर हैं। हम निकल रहे हैं दोस्तों, और उसे अंदर लो। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे आपकी कमी महसूस होती है।
मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस होगी बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। जल्दी मिलूंगा डिएगो। मैं यही आपका इंतजार करूंगा। शुभ यात्रा। अरे अरे, ये क्या, वो क्या था? क्या हो गया? ये कैसी आवाज है? क्या हुआ ये? जल्दी जाओ, देखो 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 क्या। अरे बाप, अरे बाप रे, ये तो पाताल की आग है। वो बुरी आत्मा है, इसने समुद्री यात्रा को श्रापित कर दिया। आप लोग डरे नहीं, ये टेनरीफ का ज्वालामुखी और मैं इनको बुरी आत्माओं की तरह नहीं देखता। इसके बदले मैं तो ये सोचता हूँ कि ये अच्छा है और एक नई सौगात है हमारे लिए। कनेरी टापू हमारा स्वागत कर रहा है। सेंट मैरी को गोमेरा टापू पर 24 अगस्त को लाया गया। हमारा स्वागत डोना बीत्रीज दे पारासियो ने किया, जो कनेरी टापू के गवर्नर हैं। कैप्टन कोलंबस, आपको दोबारा देख के अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पिंटा का मौसम ठीक होने में अभी और कितने दिन लग जाएंगे? और एक या दो दिन ज्यादा से ज्यादा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हाँ? ये मेडालियन तुम्हारे लिए शुभ होगा। हाँ। ओह, मैं इसे अपने खजाने में रखूंगा। शुक्रिया आपका दोना बेत्रीज। इसकी जरूरत नहीं है कैप्टन कोलंबस, मेरे पास एक सूचना है। ये सूचना समुद्री खतरे की है। किस तरह का खतरा? पुर्तगालियों के 3 जहाज दक्षिणी रास्ते से समुद्र में देखे गए हैं। पुर्तगालियों के जहाज? मुझे डर है कि वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अभियान को खत्म कर सकें। चेतावनी के लिए शुक्रिया। अब मैं जानता हूँ कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पक्का उनसे बचने में कामयाब हो जाऊंगा। 6 सितंबर पूरी मरम्मत के साथ हमने अपना खाना और ताज़ा पानी मंगाया और आज आखिरकार हम खुले सागर में हैं। इंडीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो, हमें वापस मुड़ना होगा और स्पेन की तरफ जाना होगा इसके पहले कि अंधेरा हो जाए। तुम सही कह रहे हो, पर उससे पहले हमें कप्तान का कुछ करना होगा। घड़ी वाले इंसान, अपनी जगह पर वापस जाओ, ये मेरा आदेश है। ये क्या है? तुम लोग भी घड़ी का हिस्सा हो तो अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं उसे सुनूंगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम बताते हैं हमारे दिमाग में क्या है, हमें वापस जाना है इससे पहले तूफान और भूत हमें पकड़ ले। मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुले सागर से डरते हो। तुम लोगों को लगता है कि हम लोग वेस्टर्न लॉन फॉल पर नहीं पहुँच पाएंगे। तुम लोगों की सोच गलत है। हम वापस जाने के लिए बहुत दूर आ चुके हैं। ये अभियान हमारी महान कामयाबी के करीब है, मेरा विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास करे, तुम हमें कयामत की तरफ ले जा रहे हो। तुम गलत हो, मैं तुम्हें उस तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ साहस, अमीरी और तरक्की तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये वक्त दिल छोटा करने का नहीं है। दिल छोटा करने का? सुनो कैप्टन, अगर मैं कुछ गवाऊंगा तो वो है अपनी जिंदगी। बिल्कुल सही, अब आदेश दो मुड़ने का, नहीं तो तुम्हें पछताना होगा। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपना इरादा नहीं बदलने वाले। तुम हम सबको सफर करवाते रहोगे वेस्टर्न की तरफ जब तक हमारा खाना और पानी खत्म नहीं हो जाता। इसके लिए हम तैयार नहीं है कैप्टन। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। नहीं, कभी नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। क्रिस्टोफर, पीछे हट जाओ, मैं खून खराबा नहीं चाहता, समझ गए? कैप्टन पिंटा। ये हुई ना बात, हॉल को अंदर लो।
मुझे लगता है तुम्हें कोई तकलीफ है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ 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 नहीं। मुझे सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरह की दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। बगावत के बारे में सोचना भी मत, बगावत को कुचलना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गद्दारों के सर मैं वहां लटकाता हूँ, समझ गए? अब जाओ अपना अपना काम करो। कप्तान बेन जॉन, मैं आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पैलेस के लोग हैं जनाब, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। क्या हवा है। तो दोस्तों सफर को छोटा करते हैं और अब इस ओर से चलेंगे। कप्तान बेन जॉन ने गद्दार को रोक दिया, पर आदमी अभी भी भड़के हुए हैं। सारा खाना एक जैसा है, बहुत ज्यादा नमकीन और सख्त बिस्कुट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इससे परेशान और थक गया हूँ। ये तंदुरुस्त और स्वादिष्ट दिखते हैं, चलो लड़कों पकड़ते हैं इन्हें। अगर यहाँ पर बाहर पक्षी हैं, तो इसका मतलब जमीन आसपास है। वो देखो डॉल्फिन। क्या, हाँ, क्या हुआ, तुमने धरती देखी क्या? नहीं, वो वेल है, बड़ी सी वेल। काश ये वेल की जगह कोई छोटा टापू होता। मेरे जिंदगी भर का सपना पूरा होने जा रहा है, हम बस थोड़ी देर में इंडीज पहुंचने वाले हैं। बहुत थक गया, बहुत से काम भी तो बहुत था। और दो तीन दिन खुले सागर में बीत गए। देखो जमीन, देखो जमीन, संकेत के लिए गोली चलाओ। नीना ने गोली चलाई है। मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया, मुझे लगता है कि उन तक सिग्नल पहुंच चुका है। ऊपर वाले शुक्रिया। क्या हुआ, उन्हें कुछ और बादल मिल गए क्या? लगता तो है। कप्तान, आप जहाज पर दो घड़ियों के साथ थे, क्यों नहीं आपने थोड़ा सा आराम कर लिया और किसी और को नजर रखने के लिए भेज दिया? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी जनाब। मैं आपकी परवाह की सराहना करूंगा सैंचेज। हाँ, मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ, जिस धरती का सपना मैंने देखा है, अगर वो कहीं है तो हम उस तक जरूर पहुंचेंगे, और ये मेरा वादा है। मैं सबसे पहले अपनी आंखों से उसे देखना चाहूंगा। अब ये सपना मेरे अंदर कितने वक्त से जल रहा है, मैं इस सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, हर तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, इसलिए मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। गुटियरेस, कैप्टन, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। जी सर। एक मिनट, ऊपर आओ, तुम भी सेंचर्स आओ, देखो वो क्या दिखाई देता है। पर कहां? वो धुएं की तरह दिख रहा है, पर कहां से? ये तो आग की तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ संकेत है। ये तो एक और जहाज है। ऊपर आओ, यहां से देखो। वो बुझ गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थकान के कारण मुझे शायद ऐसा भ्रम हो रहा है सैंचेज। लेकिन मैंने भी तो देखा था कैप्टन। मैं आपकी जगह निगरानी करता हूं कप्तान, आपको आराम की जरूरत है, हम सब आपकी ताकत और नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। पिंटा के कैप्टन संकेत भेज रहे हैं। अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बताओ मुझे तुमने क्या देखा? वो थोड़ी दूर पर है, तुम भी उसे देख पाओगे जब चांद बादलों से बाहर आएगा।
शुक्रिया ऊपर वाले। हम सही थे कैप्टन, हम लोगों ने वहाँ पर आग ही देखी थी। मुझे खुशी है कि आप हमारे कप्तान हैं। आपने पहले उसे देखा। जो ऊपर वाले की इच्छा थी। सब लोग तैयार रहो, शायद हम जल्द पहुँचेंगे। जैसे ही सूरज निकलेगा हम सब कुछ देख कर ही आगे बढ़ेंगे। कप्तान, इतनी खूबसूरत जमीन, श्वास नहीं होता। जन्नत। शुक्रिया ऊपर वाले, हम लोगों को इतने जोखिम भरे रास्ते से सुरक्षित यहाँ पहुंचाने के लिए। हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं। ऊपर वाले शुक्रिया। ठीक है, ये धरती अब स्पेन की धरती होगी। अब हम यहाँ रहेंगे और खुशी से रहेंगे। ये पूरा स्पेन का धरती हो गया, ये हमारा है। हम बहुत मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। नोटरी आ गया हो। आपकी शाही महारानी इसबेला और आपके शाही महाराज राजा फर्डिनेंड, हमने उस यशस्वी मिशन को आज पूरा कर लिया जो आपने अपनी बुद्धिमता से सौंपा था, और आज से हम इस धरती पर कब्जा कर रहे हैं जिसे हम सेंट सेल्वेडर कह के पुकारेंगे। हमारे अन्नदाता के नाम पर मैं डॉन क्रिस्टोफर कोलंबस अक्टूबर 11 सन 1492 में इस बात का दावा पेश करता हूँ। हमें माफ कर दो तुम पर शक करने के लिए, अब हमें यकीन हो गया कि आप हर वक्त सही थे कप्तान। ये काफी है जवानों, ये वक्त गिले शिकवे का नहीं, मन मुटाव भुलाने का है। दोस्तों भुला दो और उस दयालु भगवान का शुक्रिया करो जो हमारा रखवाला है, जो हमें सेंट सेल्वेडर तक लेकर आया। हाँ सेंचेज, सेंट सेल्वेडर अब इस नाम से धरती जानी जाएगी, समझ गए? नोटरी इसे लिखो, ये धरती सेंट सेल्वेडर के नाम से जानी जाएगी। सेंट सेल्वेडर। कप्तान वो देखो कोई आ रहा है। शांत हो जाओ, वो बिना हथियार के है और अकेला है, करेगा भी तो क्या। तौरस इधर आओ और उसे बात करने की कोशिश करो। अनानु भी अत्याने, हम शांति के लिए आए हैं, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनानु चू प्यो बेशलम। हाँ आना अचो बो शेलो चो शालो शेलोन। वो समझ नहीं रहा, सिर्फ नकल कर रहा है। तुम व्यापार का सामान दिखाओ। तुम्हें ये पसंद आया? ये हैट है ऐसे। गुबा को के हो
अरेगो नोटरी, इसको लिखो, इसको लिखो, हम शांति के लिए आए हैं। इसका मतलब ये पक्षी हमारी जासूसी कर रहा है। इसे छोड़ दो दोस्त, मुझे जरूरत है इसकी, मैं समुद्री सफर करता हूँ। अरे सुनो सावधान, ये हमारी रानी ने मुझे दी थी। रानी ने? कोई आओ यहाँ पर, इस आदमी के हाथ में चोट लग गई है। क्या यह मुमकिन है कि इन्होंने पहले कभी तलवार न देखी हो? इन बेवकूफ लोगों पे तो हम नींद में भी कब्जा कर लेंगे। हम जबरन यहाँ किसी से कुछ जीतने नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें जरूरत है प्यार, ऊपर वाले के प्यार की, जिसकी वजह से इन्हें खुशी मिल सके और सूझबूझ की शक्ति भी। सैन सेल्वेडोर, ये सैन सेल्वेडोर का टॉप आलीशान खूबसूरती से भरा पड़ा है। पूरी धरती हरियाली से भरी हुई है। यहाँ के लोग बच्चों की तरह मासूम है और हम धीरे धीरे उनके साथ विश्वसनीय दोस्ती का रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये कौन है, चिपेंगो। अगले दिन हम सुबह इस टापू की दूसरी ओर उनके गांव में गए। माफ करें, इतना ही था, सब खत्म हो गया। वो बदले में हमें सिर्फ रुई दे रहे हैं, और तुम इसे सही कह रहे हो? ये कीमती है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर कपास उगाते हैं। क्या मार्को पोलो ने नहीं लिखा था कि शिपांगों में तो घर की छत और दीवारें तक सोने की होती हैं? तो फिर मेरी राय है कि हम उस सोने को ढूंढना शुरू करें, जैसा कि हमने राजा और रानी को वादा किया था। हाँ मैं जानता हूँ, पर सही वक्त का इंतजार करो। कप्तान, इसके नाक के गहने को देखें। ये तो असली सोना है, पर ये आया कहाँ से? यहाँ पर एक बड़ा सा टापू है पश्चिम की तरफ। यहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े ब्रेसलेट और सोने की पायलें देखी हैं। तो फिर किसका इंतजार है, चलो चलें। मैं आगे चलता हूँ। हमारा सफर तो सच में अब शुरू हुआ था। मैंने अगले टापू को नाम दिया सेंटा मारिया दे ला कंसेप्शन, और पश्चिम की तरफ एक और बड़े टापू की तरफ निकल पड़े, जिसको मैंने नाम दिया फर्नेंडो टापू, हमारे राजा के सम्मान में। तब हमने अपना रास्ता बदला और हम दक्षिण की तरफ निकल पड़े और एक नए टापू की खोज की, जिसे हम इसाबेला टापू बुलाने लगे, हमारी रानी के नाम पर। बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा, एंडलुसिया की बारिशों के वक्त से भी ज्यादा हरा भरा। एक शैतान। लेकिन रानी को ज्यादा खुशी खजाने से होगी, और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम कहीं भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग सोने की बात कर रहे हैं, पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मार्टिन, इतने बेचैन मत हो। मैं ही अकेला बेचैन नहीं हो रहा हूँ, पेंटर के नाविक हो रहे हैं, वो तुमसे अलग हो जाएंगे और खुद सोने की तलाश में जाएंगे, और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। देखो मार्टिन, यहाँ के लोगों के हिसाब से एक बड़ा सा टापू है जिसे क्यूबा कहते हैं, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर पश्चिम में है। तुम्हें लगता है वो चिपेंगो है? हम अभी तक नहीं जानते, हम योजना बना रहे हैं वहां जाने की, उसे देखने की। ये तो अच्छी खबर है, ये बात तो पिंटा के लोगों को खुश कर देगी। बस इतना ध्यान देना कि हम क्यूबा वक्त पर पहुंच जाएं। मैं पहले ही देख चुका था कि मार्टिन, एलोंजो, पिंजॉन और उसके आदमी मेरे खिलाफ हो चुके थे और सोने की खोज में खुद निकलना चाहते थे, और मेरी बात को साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सौ से भी ज्यादा दिन गुजर गए थे पहले उसके बंदरगाह से निकले। हमने बहुत से टापू खोजे, जिसमें से सबसे बड़ा था क्यूबा, पर हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें कहीं खजाना सोना नहीं मिला था। वहां के रहने वाले बहुत मिलनसार थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि सोने जैसी चीज के बारे में या तो वो नहीं जानते थे या परवाह नहीं करते थे। हम अपने अन्वेषण को जारी किए हुए थे, पर आदमी बेताब हो रहे थे हवा में सोने की महक से,
मैं पक्का नहीं कह सकता था कि मैं उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता था। कैप्टन कोलंबस, कैप्टन कोलंबस, एक बुरी खबर है। पिंटा के लोग गायब हो गए हैं पूरी तरह से, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या? गायब हो गए? वो अपने आप निकल गए। आप देखिए, वो ठीक वहीं पर थी। वो मार्टिन पिंजोन है, जरूर उसके पास सोने के बारे में यहाँ के लोगों से ज्यादा मालूमात होगी, इसलिए वो खुद सोने की खोज में निकल गया। कैप्टन एडमिरल, मैंने उसे देखा, वो जहाज के दाहिनी तरफ है, वहाँ उधर। देखो पिंटा हमें छोड़कर जा रही है। सर, हमें मार्टिन पिंजोन को पकड़ करके इस हरकत के लिए सजा देनी चाहिए। अगर हम कोशिश भी करें तो इस पुराने जहाज से पिंटोस को नहीं पकड़ पाएंगे, ये बहुत धीमा है। लेकिन हो सकता है पिंजोन दोबारा सोचे और वापस आ जाए गुटेरियस। बेहतर यही है कि हम इशारे के लिए आग को रात भर जला रखें, जैसे हमें ढूंढ सके। अब देखते हैं। आज हमने राजा और रानी की सरहद में एक और टापू का इजाफा किया और नाम दिया हिस्पैनियोला, स्पेन के सम्मान में। यह बहुत ही खूबसूरत है। देखिए सर, यहां के रहने वाले। हाँ, टॉरस, जाओ और पक्का करो और उन बिचौलियों का इस्तेमाल करो। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करो। जी जी कैप्टन। और अपने साथ बहुत सारे तोहफे भी ले जाओ। बिल्कुल कैप्टन। नाव जल्दी चलाओ। क्या वो हमारी भाषा बोलते होंगे? मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। टॉरिस ने अपने सूझबूझ से, अपनी कोशिशों से यहाँ के कुछ लोगों को स्पेनिश बोलना सिखा दिया है। हो सकता है कि वो हमें बता सके कि यहाँ इस धरती पर सोना मिलने का कोई जरिया है या नहीं। गंगा वो जरूर उनका मुखिया होगा सर। बिल्कुल सही, हो सकता है कि हम इनसे जल्द कुछ सीख लें। गुटेरियस, खाने की तैयारी करो। जी कैप्टन। कैप्टन, वो हमें समझ गए, हम उनकी कसीक को साथ लेकर आए हैं। उनकी कसीक? यही वो अपने राजा को बुलाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम स्पेन से हैं और हमारे भी राजा रानी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता था। हमारे लोगों के हिसाब से वो ये समझते हैं कि हम कहीं आकाश से गिरे हैं। मैं उनका दिमाग नहीं बदल सकता। कि हम आकाश से गिरे हैं? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझे लगता है हमारे लोगों ने ऐसा उनसे कहा होगा, अगर मैं उनके इशारों को सही से पढ़ पा रहा था तो। स्वागत है कैक्सिक स्पेन के राजा और रानी के नाम पर। मैं कप्तान क्रिस्टोफर कोलंबस हूँ। हमारे साथ खाना पसंद करेंगे? आप कुछ लेंगे इसमें से? ये स्पेन का स्वादिष्ट खाना है। आ, 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 आ,
कैप्टन, ये वही बक्कल है पिसे हुए सोने से बना। हाँ वो तो है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे ऐसी तो हमारे पास आपके लिए तोहफा है। हाँ मुझे एक गुच्छा देने की इजाजत दें। ओह इसके लिए शुक्रिया। ये तो मेरा सौभाग्य है, बदले में ये ले लीजिए। टॉरस, मुझे लगता है वो जाना चाहते हैं अपने टापू पर, इन्हें ले जाओ। बिल्कुल कैप्टन। कैप्टन, हमारे दूरभाषियों ने हमें बताया कि यहाँ एक और कसीक है इस टापू पे जो उस नौजवान से भी ज्यादा ताकतवर है जिससे आज हम मिले हैं। वो गुआकाना गारी है। गुआकाना गारी? हाँ, और वो इस नौजवान कसीक से कहीं ज्यादा रईस है कैप्टन। उसके अख्तियार में टापू का जो हिस्सा है वहाँ बहुत सोना है और वो भी हमारा स्वागत करेगा। जबकि यहाँ के रहने वाले दूर से ही सोने के गहने से लदे हुए दिख रहे थे। सही कहूँ तो मुझे शक है यहाँ पर भी बहुत सोना है, और अगर ऐसा है तो हमारे पास इनके साथ सोने के बदले व्यापार करने के लिए बीट्स खत्म हो चुके हैं। सैंचेस सही कह रहा है। टॉरस, हम यहाँ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब तुम्हारे लोग दूसरी जगह जानते हैं जहाँ पर ज्यादा सोना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें खुले सागर को पार करना होगा। मुझे विश्वास है यही वो टापू है। वो गुआकाना गारी की हद की यहाँ पर बातें कर रहे थे। मेरे लोगों ने बताया इसे शिबाओ कहते हैं। शिबाओ? शिबाओ ये तो सुनने में चिपांगो जैसा है। हाँ, चिपांगो इंडीज का वो देश जहाँ भरपूर सोना है, यही वो देश हो सकता है कैप्टन। कप्तान, मैं कहता हूँ कि मैं शिबाओ के लिए भी निकलना चाहिए। हमारे लोगों के दिमाग में अभी तक बस एक ही ख्याल आ रहा है और वो है सोने का। अगर हम मना करेंगे तो पक्का नहीं हमारे साथ रहेंगे या नहीं। ठीक है, हम उस गुआकाना गोरी को मिलने जाएंगे और देखेंगे कि सोने की कहानी सच है या नहीं। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफर सुरक्षित हो। हम शिबाओ के लिए निकल पड़े। वो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हमें बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। बहाव बहुत तेज है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। मैंने बहुत ही तजुर्बेकार लोगों को खास जगह पर लगाया है। कर्मी दल बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन सब जानते थे कि वहां पहुंचने में भी थोड़ी देरी है। तुम इधर आओ। हाँ, क्या हुआ, क्या चाहिए? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, इस पतवार को एक सेकंड के लिए पकड़ लो। नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, बस वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। चलो इधर, अब पतवार को आराम से हिलाओ जिससे कि पोलसार वहीं पर रहे जहाँ पर वो है, समझे? तब तक मैं थोड़ी सी नींद मार लेता हूँ। क्या हो रहा है? मेरी मदद करो, ये पतवार अटक गई है। अरे नहीं, अपनी जगह पे जाओ, ऐसा लगता है पतवार मिट्टी से लड़ गई है। कहीं नाव ना डूब जाए, भाग ऊपर से, कहीं जाओ, बचाओ बचाओ, ऊपर से जाओ, ऊपर से, इधर से, इधर से, लंगर गिराओ और नाव को धीमा करो, जल्दी।
कोजा, जिस जगह पर लंगर डाला है वहाँ पर्याप्त चीजों को ध्यान से रखो। नहीं, नीना की तरफ जाओ जल्दी। अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करो। कोजा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोझा गिराने की सीढ़ी लाओ। जो चीज झाड़ में जरूरी नहीं है उसे नीचे फेंको। ये नीचे जा रही है। ट्रैक पर सारे लोग ट्रैक पर ऊपर की ओर खींचो। उसे नीचे से काटो जल्दी। कप्तान विंसेंट, यहाँ पर हम मुसीबत में हैं। हमारा जहाज बुरी तरह से टूट रहा है विंसेंट। आप जो कर सकते थे आपने कर दिया। अपने आप को अपने आदमियों के साथ नीना टापू पर चले जाना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आपने अपनी जिंदगी दांव पर रखकर हमें बचाया है। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए अपने साथियों के साथ। तो ठीक है, लोगों को आदेश दे दो। जहाज छोड़ दो, जहाज छोड़ दो, जहाज छोड़ दो, जहाज छोड़ दो। आदमियों किसी भी तरह नीना की तरफ चले जाओ। मुझे माफ करना कैप्टन। मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी बच्चे। मैं इस जहाज से तब तक नहीं उतरूंगा जब तक सब लोग सुरक्षित ना हो जाएं। यस सर। उससे दूर हटो, जहाज डूब रहा है। एक अच्छी चीज ये है कि अगर वो सुबह तक नहीं डूबी तो हम कल सुबह ही उसे कार्गो तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले का शुक्रिया कि जिस वक्त ये सब हादसा हुआ हम इस धरती के नजदीक ही थे। लेकिन कप्तान, इसे बहुत वक्त लगेगा। हमारे पास इसके लिए कुछ और नाव नहीं बची हैं। सच है, पर हम गुआकाना गेरी से मदद के लिए कहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी मदद करेंगे। पर कैसे मदद करेंगे? यहाँ के रहने वाले तो एकदम जंगली हैं। उनके पास उन्हें खोद कर निकालने वाले सामान हैं। वो काम के लिए अच्छे होंगे। हम उनसे उधार लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अब गुटियारस, एरेना, टॉरेस, वहां जाओ और बात को पक्का करो। यहाँ के लोगों से कार्गो तक पहुंचाने के लिए कहो। हम फौरन निकलते हैं कैप्टन। सेनियर सैंचेस, हम वापस आ गए। कप्तान, टॉरेस वापस आ गया है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं। सच में? वहां पर देखो, लगता है आपका सुझाव काम कर गया। गुआकनगारी ने मदद की कप्तान। उसने सेंटा मारिया को खाली करने के लिए जितने लोग भेज सकता था भेज दिए। वो बहुत ही दोस्ताना मिजाज का मालूम होता है सर। विंशेक, नाव को नीचे करो। मैं सेंटा मारिया पर जाऊंगा और अपनी निगरानी में जहाज को खाली करवाऊंगा। तब तक तुम यहाँ संभालो। अभी करता हूँ कप्तान। नाव को नीचे करो, नाविको अभी के अभी हम सेंटा मारिया को खाली करेंगे। वो
वकनगारी ने तीनों झोपड़ियाँ हमारे लिए दी हैं। इसमें हम सब आराम से रह पाएंगे सर। यहाँ तक के झोपड़ियाँ भी हैं। उसकी उदारता का क्या कहना। वो क्या है? वो इसे हैमिक कहते हैं। आप इसमें सो सकते हैं, आपको बड़ा आराम महसूस होगा। आदिम लोगों के लिए ये लोग मुझे काफी सुलझे हुए लगते हैं। ज्यादातर मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आदमी भी इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। जरा इसे देखो, पूरे सोने का, किसी छोटे से मनके के बदले में हम सही जगह पर आए हैं। यहाँ इंडीज में बहुत रईसी है, क्या ये खूबसूरत नहीं है? लेकिन कोलंबस ने सख्त आदेश दिए हैं कि यहाँ के लोगों से सोना नहीं लेना। अगर तुम इसके साथ पकड़े गए तो वो बहुत गुस्सा होगा। तो मैं इसके साथ नहीं पकड़ा जाऊँगा। तुम तो उसको नहीं बताओगे ना, क्या बताओगे? और तुम शर्त लगा लो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारा सोना है। ये रही आपकी वर्दी। आपको गुआनाकारी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप इसमें एकदम शाही लगेंगे। वैसे गुआनाकारा की रॉयल्टी उसके लोगों में है और उसने हमें राजा की तरह सत्कार दिया है। जरा सुनिए, गुआनाकारी आ गए हैं कैप्टन। आ चुके हैं। आपका स्वागत है सरदार। मैं कप्तान क्रिस्टोफर कोलंबस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉरस अम्बुम बम बड़ाकुम। ये कह रहे हैं कि इनको आपके जहाज का बहुत दुख है और ये जितनी मदद हो सके करेंगे। मुझे लगता है मैंने सही कहा सर। आपने हमारी मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, ये लीजिए। लाइए, मुझे मदद करने का मौका दीजिए। ये आपके लिए दस्ताने। उन्होंने शुक्रिया कहा और पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ खाना खाएंगे। उनके साथ खाना खाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इतना अच्छा स्वाद है, बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिला है। आप भी लो थोड़ा सा, बहुत अच्छा है। टॉरस, हमारी बंदूकों में इनकी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। उनसे कहो कि हम इन बंदूकों को उनके लिए चलाकर दिखाएंगे। जैसा आपका आदेश कैप्टन। माफी चाहूंगा अगर हमने किसी को डरा दिया हो। अगर ऐसे हथियार आपके पास हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं किसी भी दुश्मन से। ए मानी, ए लो ओडियाओ। लेकिन कप्तान, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने तो बताएं कि स्पेन आप क्यों जाना चाहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सोना यहाँ है, हालांकि हम ये नहीं जानते कि कितना है। लेकिन हम नाविक हैं, ना कि लुटेरे। लेकिन हम व्यापारी हैं, लुटेरे नहीं। हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो जहाज बनाने में हमारी मदद करें। हम यहीं पर अपने सोने की खोज खत्म नहीं कर सकते। पर क्या हम सब इस पर वापस जा सकते हैं? नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम में से आधे लोग यहाँ रुके और हमारे लिए गांव तैयार करें। हम सेंटा मारिया की लकड़ियों का इस्तेमाल करके किला बनाएंगे और उसे बंदूकों से सजाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। एडमिरल, जो यहाँ रुकेंगे मैं उनके साथ रुकूंगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ सोना है और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे हाथ में सोना नहीं होता। मैं भी यहीं पे रुकूंगा कैप्टन, अनुशासन बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छे, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की मदद हमें जरूर मिलेगी और हम अपने लिए एक सुरक्षित किला बनाने में कामयाब होंगे। एक बार किले का काम पूरा हो जाए तो सबसे अहम काम मार्टिन पिंजॉन को ढूंढने का होगा जिससे हमारे साथ स्पेन वापस चल सके।
अलविदा तो अच्छा है आप लोगों से आपके मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने आप लोगों के साथ। फिर दोबारा कभी मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे अगर हमारा वापसी का समुद्री सफर स्पेन तक आराम से गया जैसा कि पश्चिमी रास्ते से गया था, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही कम वक्त में और मजबूती के साथ यहाँ वापस लौटूंगा। और तब तक तुम मेरी गैर मौजूदगी में नेविडेड के महल का कार्यभार संभालना, तुम नेतृत्व करना है रहना। मैं सब समझ गया एडमिरल। राजा और रानी के मुख्य सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा एडमिरल। और तुम गुटियरेस, और तुम भी एस्कोबाडो, मेरे जाने के बाद तुम इस नई धरती पर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगे। तुम लोगों को मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा भरोसा कायम रखना। मुझे भरोसा है कि तुमसे कोई गलती नहीं होगी। भरोसा रखिए एडमिरल, आप जब दोबारा इस टापू पर कदम रखेंगे तो देखेंगे सारे बैरल सोलन से भरे मिलेंगे, और ये मेरा आपसे वादा है सर। एडमिरल, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे अन्नदाता को इस बारे में जरूर बताएं कि हमने यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या जतन किए। खैर, मैं इस बात को मानने से नफरत करता हूँ, पर मेरे अंदर कप्तान के लिए आदर पैदा हो गया है और मैंने तय कर लिया है कि मैं उनके साथ जाऊँगा। मुझे लगता है तुम पागल हो गए, पर मुझे यकीन है जब तुम वापस लौटोगे तो सोने से भरा बैरल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम देखना। एडमिरल, हाँ, हमें अभी अभी कप्तान पिंजौन की खबर मिली है। सच में? मुझे बताओ टॉरस, वो क्या है? वैसे जाहिर तौर पर गुआकानागारी के एक आदमी ने पिंटा को पूरब की तरफ निकलते हुए देखा था 2 दिन पहले। लगता है वो स्पेन के लिए निकल गया है इस उम्मीद से कि वो हमसे पहले वहाँ पहुँच कर सिपाहियों की खोज का दावा अपने नाम कर ले। ये पिंजौन ऐसा ही है। हाँ, और अगर हम उसे पकड़ना है हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकलना चाहिए। चार जनवरी सन 1493 है, हम इस पेनियोला के टापू से निकल पड़े। कप्तान, हाँ? मैं कप्तान पिंजौन के मामले में अपनी राय आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल की नवंबर 21 से 40 दिनों तक उन्होंने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि ये नियमों की अनदेखी करना है और इस मामले को हमें सख्ती से निपटना होगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया सैंचेस, लेकिन मार्टिन को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। अच्छी खबर है कप्तान कोलंबस, हमने पिंटा का पता लगा लिया। कहाँ है वो? वो रही जहाज के दाहिने पहले धनुष के उस तरफ, और मैं कह रहा हूँ वो सीधी हमारी तरफ आ रही है सैंचेस। तो वो भाग कर दूर नहीं जा रहे? हम यहाँ आराम से चलेंगे विंचेट, नाव को भेजो और कप्तान पिंजौन को इत्तला करो कि हम चाहते हैं कि वो हमसे आकर मिले। बहुत बढ़िया कप्तान, मुझे खुशी हो रही है जानकर कि मेरा भाई सुरक्षित है। कप्तान, मुझे अभी अभी पता चला है कि सेंटा मारिया भंवर में फंस गया है, क्या यह सच है? आपके पास भंवर के बारे में बात करने का दिमाग है, और आप उस बारे में क्या कहेंगे जो आपने जानबूझकर नियम तोड़े हैं? कुछ नहीं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, ना जानबूझकर ना अनजाने में। क्या मतलब इस बात का? पिंटा भी अनहोनी का शिकार बन गया था, तुम्हें पता है बहाव बहुत तेज था, हमारे लंगर की रस्सी टूट गई थी, बहाव हमें अपने साथ खींच कर दूर तक ले गया, इसीलिए हम वापस नहीं आ पाए। मार्टिन, आपने बहुत ही दमदार जवाब दिया है हमें, लेकिन मैं अभी भी असमंजस में हूँ कि आपने फिर इतना सोना कहाँ से ढूंढ निकाला। ओ ये तो कुछ भी नहीं है कप्तान, ये तो बस थोड़े से हैं, मेरे आदमियों के पास इससे भी कहीं ज्यादा सोना है।
सुनकर अच्छा लगा, पर मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि आदेश के उल्लंघन की बात को तुम कैसे साबित करोगे। मैं दिल से माफी मांगता हूँ, वो चीजें वैसे ही हुई जैसा कि मैंने आपको बताया, पर एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये सब काम मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा था और न ही किसी तरह के मुनाफे के लिए। सोना खोजना बहुत जरूरी था राजा और रानी को दिए गए हमारे वादे को पूरा करने के लिए, और मैंने अपने आदमियों से भी वादा किया था कि मैं उन सबको उनके घर इतनी दौलत देकर भेजूंगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं उनको निराश कैसे कर सकता था, आखिरकार उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था। सोने की खोज करना हमारे लिए बड़ी कामयाबी है कप्तान। मार्टिन, तुम्हारा ये जवाब तुम्हारी सच्चाई को बयान करता है, तुमने तकरीबन मुझे समझा दिया, बाकी हम ये जाकर स्पेन में समझाएंगे। तुम अब से मेरे आदेश का पालन करोगे और अब किसी भी हालात में तुम खुद किसी भी चीज का फैसला नहीं लोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस आदेश को जरूर मानोगे। मैं पूरब से होते हुए उत्तर पूरब की ओर चलने का आदेश देता हूँ। समुद्री हवाओं के चलने से पहले हमें यूरोप पहुँचना होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पुर्तगालियों के टापू के पास तूफान जोरों पर है। रास्ते में तूफान है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैंने इतना साफ आसमान पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं सर। बिल्कुल, पश्चिम आसमान में बिजली चमकने का एक ही मतलब होता है और वो है गंदा मौसम। ये तूफान आने का संकेत है। सारे लोग तूफान के लिए तैयार हो जाओ। जितना हो सके अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सब काम करो दोस्तों। एडमिरल कोलंबस, बुरी खबर है, हमारी नजर पिंटा को बिल्कुल नहीं देख पा रही। अब हम कुछ नहीं कर सकते, स्टैन लाइट को जलता छोड़ दो, हो सकता है कि वो वापस देख सके। तूफान के थमने का इंतजार करो, कोई मदद करो। क्या है? नीचे पानी भर रहा है। तो फिर नीचे जाओ और बाहर निकलना शुरू करो। ठीक है। अगर हम किसी तरह नीना को डूबने से बचाने में सफल रहे तो ये प्रभु की हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी, और अगर हम लोग लौटने तक सुरक्षित रहे तो हम सब लोग मिलकर तीर्थ यात्रा पर जाएंगे ग्वाडालूप। ठीक है दोस्तों, हम बहुत ही सम्मान के साथ ये सब करेंगे, हम बहुत ही सम्मान के साथ ये सब करेंगे। हम में से जिसके पास ही क्रॉस का चिन्ह आएगा वही इंसान तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा। शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये मुश्किल काम करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मेरे ऊपर सौंपी है। हा, मुझे यकीन है ये इशारा है जो हमें इस तूफान से निकालेगा। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कहीं हम समुद्र में डूब ना जाएं। मेरे इस अभियान के सारे दस्तावेज गुम जाएंगे,
दस्तावेज के 2 सेट बनाए, उन्हें मोम से मैंने कसकर बांध दिया, 2 बैरल में से पैक कर दिया, मैंने 1 बैरल को समुद्र में फेंक दिया और 2रे को सबसे ऊपर की डेक पर, कि अगर सब कुछ खत्म हो भी जाता है तो वो डेक की सतह पर तैरता रहेगा, और अगर हम सब इस तूफान में खत्म भी हो जाते हैं तो समुद्री सफर के दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहेंगे। जैसा कि मैं जानता हूं कि किसी का भी बिल्कुल ठीक ठाक पहचानना नामुमकिन सा है, जैसा कि चिपांगों की खोज में विशाल सागर के बीच में होना चाहिए था। चालीस सालों की रातों में मैंने इतनी ऊंची हवाएं कभी नहीं देखी। 1 महीने से 1 भी जहाज की इस बंदरगाह से आवाजाही नहीं देखी गई है। जरा उधर तो देखो। बिना आदमी के जहाज, ऐसा लगता है ये भूतिया जहाज है। कैप्टन डियास, एक बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला जहाज अभी बंदरगाह में घुसा है। क्या, ऐसे तूफानी मौसम में? हाँ, पूरा टूटा हुआ है, मुझे तो स्पेनिश जहाज दिखता है। स्पेनिश? अगर ऐसा है तो हमें उसे पास से देखना होगा फौरन। नाव को तैयार करो अभी। अभी करता हूँ। नाविक, बताओ मुझे तुम्हारा कप्तान कहाँ है? ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस लग रहा है। मुझे यकीन है ये कप्तान डायस हैं। हाँ बिल्कुल, बार्थोलोमे डियास। अब डिफेंस चीफ की हैसियत से बंदरगाह की सेवा कर रहा हूँ। और डिफेंस के चीफ का मुझसे क्या काम? कोलंबस, ये मेरे फर्ज का हिस्सा है कि जितने भी स्पेनिश जहाज इस बंदरगाह पर आए मैं उनका निरीक्षण करूं। तुम्हें मेरे साथ फौरन चलना होगा फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। नहीं डायस, मैं इनकार करता हूं। मुझे एडमिरल नियुक्त किया गया है स्पेन के राजा रानी की तरफ से, मुझे इस प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए आप? क्या तुमने एडमिरल कहा? तुम कब से एडमिरल बन गए कोलंबस? ये कागजात मुझे व्यक्तिगत तौर पर स्पेनिश मोनार्च ने दिए थे सर, पढ़िए इसे। आपको सागर का एडमिरल नियुक्त किया जाता है और उस टापू या देश का गवर्नर जनरल जिसकी आप खोज करेंगे। तो तुम सच कह रहे थे? मेरे पास यहाँ एक खत है जो मैंने अभी लिखकर पूरा किया है किंग जॉन के नाम पोर्चुगीज सोवरन पर। अब लगता है ये तुम्हें ही पहुंचाना होगा। किंग इस वक्त सांता मारिया बेर्थोरस मॉनेस्ट्री में मौजूद हैं। मैं पूरा इंतजाम करता हूं कि यह खत उन तक पहुंच जाए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा स्वागत करने में उन्हें खुशी मिलेगी एडमिरल। योर रॉयल हाइनेस, लिस्बन के बंदरगाह पर आने के लिए मैं आपसे हमारी गलती को भुला देने की विनती करता हूँ, पर हमारे पास इस मामले में कोई और रास्ता नहीं बचा था। एडमिरल के लिए कुर्सी लाओ। mm.
बैठिए एडमिरल। मुझे आपकी समुद्री यात्रा का पता चला आपकी चिट्ठी पढ़कर। मुझे बताइए, क्या ये बात सच है कि आप पश्चिम के रास्ते से चिपांगू पहुंचे एडमिरल? जी बिल्कुल, जो योजना मैंने 10 साल पहले आपको बताई थी और हाइनेस वो आखिरकार पूरी हो गई। मैं इसके लिए अपने अन्नदाता राजा और रानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एकदम बकवास, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसे सजा मिलनी चाहिए। आपने कहा आप अपने साथ चिप्यांगू के कुछ लोगों को लाए हैं, किस तरह के लोग हैं वो? मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद देख लें। ये क्या साबित करना चाहता है? इन्हें देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये पोर्तुगीज अफ्रीका के लोगों से बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। ये सच है। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए इस बात को साबित कर देता हूँ कि हमने किसी भी वक्त पुर्तगालियों की सीमा जो अफ्रीका में है उसमें कदम नहीं रखा। योर हाइनेस, कृपया इन्हें आदेश दें कि ये हमें उस टापू के बारे में बताए जहाँ से आए हैं। याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हाँ, बहुत अच्छे। मैं बस ये जानना चाहता था कि ये जो कर रहा है उसके बारे में जानता है कि नहीं। जैसा भी हो एडमिरल जी, कहिए। कानून व्यवस्था जो पुर्तगाल और स्पेन के राज्यों के बीच है, उसके हिसाब से चिपांगू की नई खोज अपने आप ही पुर्तगीज की सीमा का हिस्सा बन गई। क्या नहीं बनी? योर हाइनेस, जितना मैं जानता हूँ एलकासोवस जो अफ्रीका के आसपास का रास्ता है और जितनी भी ना खोजी हुई सीमाएं हैं इस रास्ते की, सब पुर्तगाल की हैं। जो पश्चिमी रास्ता मैंने खोजा था कोई नहीं खोज पाया है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को स्पेन तक पहुंचाऊं। और एडमिरल, अपनी समुद्री यात्रा की कामयाबी के लिए मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए। हम आपको आपके जहाज की मरम्मत में मदद करेंगे और आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। आप डियाज से कुछ भी मांग सकते हैं। आप बहुत दयालु हैं योर हाइनेस, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये वही जहाज है जो वेस्ट चलकर इंडीज तक गया था। अब ये पूरी तरह तैयार हो गया है। सारे पुर्जे पूरी तरह से बदल दिए गए हैं और जो रिसाव था उन्हें भी बंद कर दिया गया है। शुक्रिया डियास, तुमने हमारी बहुत मदद की। छोड़ो भी, हम दोनों ही नाविक हैं, क्या नहीं है नाविक? अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है ना? ऐसा लगता है कि पिंटा भी अपने घर सुरक्षित पहुंच गया है। क्या तुम्हें यकीन है डियास? ये तो कमाल हो गया। मुझे बताओ वो कहाँ है और हमारे साथी कैसे हैं? तूफान के बाद वो किसी भी तरह से बायोना बंदरगाह पर पहुंच गया जो स्पेनिश राज्य की हद में है, पुर्तगाल के उत्तर की तरफ। ऊपर वाले का शुक्रिया, सब सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि वो कप्तान पिंजॉन है। मुझे यकीन है कि किसी ने स्पेनिश राजा और रानी को खत पहुंचाया होगा। मुझे ताज्जुब नहीं होगा जानकर कि उनको ये पता है कि हमारा जहाज सुरक्षित है। एडमिरल, एक दिन मैं भी चिपांगों के लिए समुद्री सफर करना चाहूंगा, पर मैं वहां पूरब की तरफ से जाऊंगा, ना कि पश्चिम की तरफ से। हाँ, तुम्हारे पास पूरब का नक्शा है और इसी उम्मीद के साथ तुमने अपने सफर के बारे में सोचा है। हाँ, हो सकता है हम दोनों एक दिन एक साथ निकलें, मैं ईस्ट वार्ड से और तुम वेस्ट वार्ड से, और हमारे नाम इतिहास में अमर हो जाएंगे। तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं डियाज।
मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं एडमिरल। तेरह मार्च हम लिस्बन से निकले और हमने अपने बंदरगाह पैलोस की तरफ सफर की शुरुआत की।